हेलो फ्रेंड्स, एक ऐसी न्यूज़ है जो कि मुझे आप सभी को बहुत ही पहले दे देनी चाहिए थी, पर मेरी जो हेल्थ है उसने कभी मेरा साथ ही नहीं दिया। मैंने एक वीडियो बनाया था आप सभी लोगों के लिए ताकि मैं आप सब लोगों को बता सकूं, बट वो वीडियो मैं आप सभी के लिए नहीं लेकर आ पाई। मेरी प्रेगनेंसी का अभी 8वां महीना चल रहा है और उसकी वजह से मेरी जो हेल्थ है वो बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही है। तो हो सकता है कि आने वाले कुछ टाइम में आपको कुछ दिनों के लिए वीडियोस नहीं मिल पाए, या फिर अगर आपको मिलती भी है तो मेरी आवाज़ में, मेरे चेहरे में आपको शायद कुछ चेंजेस नज़र आए, क्योंकि मैं अभी भी, आप देख सकते हो, मेरा चेहरा बहुत ही सैड सैड सा फील हो रहा होगा आप सभी को। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अभी मैं आप सभी को बता देती हूँ, और जैसे ही मेरी डिलीवरी हो जाएगी मैं अपने बेबी के साथ में आप सभी के साथ एक ब्लॉगिंग चैनल भी शेयर करूँगी। आप वहाँ पे मेरी वीडियोस भी देख सकते हो। तब तक के लिए इसी चैनल के साथ आप कंटिन्यू कीजिए और मुझे अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए कि मेरी हेल्थ ना ठीक होने के बावजूद भी मैं ये चाहती हूँ कि आप सभी के साथ मेरी वीडियोस हर दिन पहुँचती रहें और आप लोगों को कोई भी तकलीफ ना हो। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। भारत में हार्ट डिसीज और डायबिटीज के बाद सबसे ज्यादा होने वाली बीमारियों में पहला नाम आता है थायराइड का। थायराइड हमारे गले में मौजूद होता है जो थायराइड हार्मोन को बनाता है, जिससे हमारे शरीर की कई गतिविधियां कंट्रोल होती हैं, जैसे आप कितनी तेजी से कैलोरी बर्न करते हैं या आपके दिल की धड़कन कितनी तेज है। थायराइड के रोग के कारण हमारे शरीर में या तो बहुत अधिक या बहुत कम हार्मोन बनते हैं। ऐसे में आपका थायराइड कितना ज्यादा या कितना कम हार्मोन बनाता है, इस पर निर्भर होते हुए आप अक्सर बेचैन या थके हुए महसूस कर सकते हैं, या आपका वजन कम हो सकता है या बढ़ सकता है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में थायराइड का खतरा अधिक रहता है, इसलिए आज की इस वीडियो में मैं, प्रीति यादव, आपको यही बताऊंगी कि महिलाओं में थायराइड के लक्षण, कारण और उपचार क्या क्या होते हैं। आइए हम सबसे पहले ये जानते हैं कि थायराइड होता क्या है। थायराइड इंसान की गर्दन में तितली के आकार की ग्रंथि होती है जिसका वजन लगभग 20 ग्राम होता है। थायराइड ग्रंथि को हमारे एंड्रोक्राइन सिस्टम की मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। ये ग्रंथि मेटाबॉलिज्म और ऊर्जा को कंट्रोल करती है। एंड्रोक्राइन सिस्टम हमारे शरीर की कई गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होती है। ये ग्रंथि हमारे शरीर के ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने वाले हार्मोन बनाती है। जब थायराइड बहुत ज्यादा हार्मोन या अच्छे से हार्मोन पैदा नहीं कर पाता तो कई अलग अलग बीमारियां भी पैदा हो सकती है। आइए हम ये जानते हैं कि थायराइड कितने तरह के होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है हाइपरथायरायडिज्म, जिसमें थायराइड ग्रंथि ज्यादा एक्टिव हो जाती है। इस तरह के थायराइड में हार्मोन का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो जाता है। हाइपरथायरायडिज्म लगभग 1% महिलाओं को प्रभावित करता है। हाइपरथायरायडिज्म का सबसे आम कारण ग्रेव्स रोग है, जो एक सेंसिटिव थायराइड है और लगभग 70% लोगों को प्रभावित करता है। कई बार लोगों को थायराइड पर गांठ दिखाई देती है। ये थायराइड ग्रंथि के बहुत ज्यादा हार्मोन के उत्पादन के कारण बन सकती है। और दूसरा होता है हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म हाइपरथायराइडिज्म के विपरीत होता है। इसमें थायराइड ग्रंथि अंडर एक्टिव हो जाती है और ये हार्मोन का पर्याप्त उत्पादन नहीं कर पाती। हाइपोथायराइडिज्म अक्सर हाशिमोटो बीमारी के कारण होता है, जिसका इलाज थायराइड ग्रंथि को सर्जरी की सहायता से हटाकर किया जाता है या ऑपरेशन से इसको खत्म किया जाता है। हाइपोथायराइडिज्म के ज्यादातर मामले उतने गंभीर नहीं होते, कभी कभी ये ज्यादा गंभीर कॉम्प्लिकेशंस का कारण बन सकते हैं, जैसे हाई कोलेस्ट्रॉल और दिल की बीमारियां। आइए अब हम ये जानते हैं कि थायराइड महिलाओं को किस तरीके से प्रभावित करता है। तो दोस्तों, पुरुषों की तुलना में महिलाओं को थायराइड रोग होने की ज्यादा संभावना होती है। 8 में से लगभग 1 महिला को अपने जीवन काल में थायराइड की समस्या जरूर होती है। कम से कम 1 महिला में थायराइड के कारण ये समस्या पैदा हो सकती है। पीरियड के समय होने वाली समस्याएं, क्योंकि थायराइड आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल कर सकता है। बहुत ज्यादा या बहुत कम थायराइड हार्मोन आपके पीरियड्स को बहुत हल्का, बहुत ज्यादा या इरेगुलर बना सकता है। थायराइड की बीमारी आपके पीरियड्स को कई महीनों या उससे अधिक समय तक रोक सकती है, जिसे कि एमेनोरिया कहा जाता है। अगर आपका इम्यून सिस्टम थायराइड रोग का कारण बनता है तो इससे आपकी ओवरी सहित बाकी ग्रंथियां भी प्रभावित हो सकती हैं। इससे आपके मेनोपॉज पर भी असर पड़ता है, साथ ही आपको प्रेग्नेंट होने में समस्या होने लगती है, क्योंकि जब थायराइड रोग मेंस्ट्रुअल साइकिल को प्रभावित करता है तो ये आपके ओव्यूलेशन को भी प्रभावित करता है। इससे आपको प्रेग्नेंट होने में भी कठिनाइयां आ सकती है, और प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड की समस्या माँ और बच्चे दोनों के ही स्वास्थ्य के लिए समस्याएं पैदा कर सकती है।
कभी कभी थायराइड की समस्याओं के लक्षणों को मेनोपॉज के लक्षण समझ लिए जाते हैं। थायराइड खास रूप से हाइपोथायराइडिज्म मेनोपॉज के बाद विकसित होने की ज्यादा संभावना हो जाती है। आइए फ्रेंड्स, अब हम ये जानते हैं कि थायराइड से बचने के लिए महिलाओं को क्या क्या उपाय करने चाहिए। इसके लिए सबसे पहले आप एंटी थायराइड दवाइयों का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि दवाइयों का इस्तेमाल करने के करीब 6 से 8 सप्ताह में इसके लक्षण गायब होना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन आमतौर पर यह पूरा प्रोसेस लगभग 1 साल के लिए होता है। इसके बाद आप डॉक्टर जांच करके आपकी दवाइयां रोक सकती हैं। दवाइयां बंद होने के बाद हार्मोन के स्तर को संतुलित रखने के लिए नियमित चेकअप करवाते रहना चाहिए। वैसे तो डॉक्टर आमतौर पर सर्जरी नहीं करते जब तक कि आप प्रेग्नेंट ना हो या आपके लिए एक बड़ा कैंसर नोड्यूल हो। इसके लिए आप डॉक्टर से मिलकर इस पर कंसल्ट जरूर कर लें। इसके अलावा प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयोडीन आपके थायराइड को सही से काम करने में मदद करती है, इसलिए ये ध्यान रखें कि आप विटामिन बी, विटामिन ए और विटामिन सी से भरपूर डाइट लें। अगर आपके बॉडी सिस्टम में काफ़ी आयोडीन नहीं है तो सेलेनियम लेने से हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। इसलिए किसी भी दवाई या कोई भी इलाज से पहले आप खाने को अपनी दवा बनाएं और सभी जंक फूड, चीनी और ग्लूटोन को बंद करें। इसके अलावा एल ग्लूटामाइन महत्वपूर्ण एमिनो एसिड है जो हाई ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट की क्रेविंग्स को कम करता है और चीनी की आदत को खत्म करने में मदद करता है। इसके अलावा आप बटर जरूर खाएं, ये हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए अपनी डाइट में आप बटर को शामिल जरूर करें। अब चाहे आप थायराइड से पीड़ित हैं या नहीं, भोजन हमेशा आराम से एक जगह बैठकर और अच्छे से चबा चबा कर करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके अलावा अगर आपको ये जानना है कि महिलाओं में वाइट डिस्चार्ज क्यों होता है, तो इसके लिए अपनी स्क्रीन पर आ रही हमारी इससे रिलेटेड वीडियोस को देख सकती है, जिसमें हमने आपको इस बारे में अच्छे से बताया है। इसके अलावा आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।